प्रदेश के खाद्य मंत्री एवं सीतापुर विधायक अमरजीत भगत ने कलेक्टर सरगुजा सहित पीडब्ल्यूडी अधिकारियों एवं दरिमा हवाई अड्डा के अधिकारियों के साथ मां महामाया हवाई अड्डा दरिमा के रनवे विस्तारीकरण का निरीक्षण कर कार्य के प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कार्य पूर्ण को लेकर भी जानकारी मांगी। वहीं अंबिकापुर पत्थलगांव नेशनल हाईवे 43 सड़क का भी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित कलेक्टर कुंदन कुमार ने खराब सड़क का निरीक्षण किया। दरअसल पिछले 7 सालों से निर्माणाधीन अंबिकापुर पत्थलगांव नेशनल हाईवे सड़क का 400 करोड़ से अधिक की राशि से निर्माण किया जा रहा है। इस साथ ही इस सड़क को बनाने वाली 3 कंपनियां काम को छोड़कर जा चुकी हैं। यही वजह रही है कि सड़क का काम अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसी को देखते हुए आज मंत्री कलेक्टर सहित जिले के तमाम अधिकारी सड़क का निरीक्षण करने निकले। NH 43 का ये जो रिच है अंबिकापुर से सीतापुर पत्थलगांव, इसमें लगभग काम हो गया है। कुछ जगह बचे हैं, जैसे आपके काराबेल के पास, सोनतराई के पास, प्रतापगढ़ के पास और गुतुरमा के पास। इन तीनों जगहों में काम आधा अधूरा छोड़ करके जो ठेकेदार था उसका यहाँ से चला जाना जो है हम लोग के लिए कष्टकारी हो गया है। उसका अब दूसरा एजेंसी यहाँ फिक्स करने की बात हो रही है। तब तक हम जिला प्रशासन से, कलेक्टर साहब से और NH वाले से बात करके कि जॉइंट आज हम लोग इसका विजिट किए हैं और सब जगह के लिए निर्देशित किया गया है कि ट्रैफिक कहीं नहीं रुके और जो शेष काम है उसको किसी भी एजेंसी से पूरा करवाएं। क्या लगता है कि NH है भारत सरकार के अधीन और उनके जुडक्शन में आता है, एजेंसी फिक्स करना, उनका एक्सटेंशन करना, उनका भुगतान करना सब उनके अधिकार क्षेत्र में है। इसमें तकनीकी रूप से कहीं कोई दिक्कत है जिसकी वजह से जो एजेंसीज है वो काम छोड़ करके भाग रही हैं, उसको ठीक करने के लिए आज हमारा कलेक्टर साहब ने सेंट्रल के अधिकारियों से बात भी कराया है। उन्होंने इंश्योर किया है कि हम जो शेष बचे हैं उसके कार्य के लिए नए एजेंसी या उसी में एक्सटेंशन जो भी होगा, जो आसानी से होगा उसको हम करेंगे करके, तो उसका बाकी के लिए फॉलो अप लेने के लिए, उसको पूरा कराने के लिए कलेक्टर साहब को हमने जिम्मेदारी दिया है कि आप समय पर इसको कंप्लीट करवाइए और कहाँ कहाँ पर छोटा छोटा काम अभी रुका हुआ है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसको भी आप अपने स्तर पर निर्णय ले करके जो NH में अन्य रिवाइलिंग फंड है या मेंटेनेंस का फंड है या कोई भी विभाग का जो मेंटेनेंस आगे वगैरह के लिए फंड आया है उसमें उसको उपयोग करके इसको ट्रैफिक कहीं जाम ना हो इसको ठीक कराया, ऐसे हमने कहा है। इस दौरान देखा गया कि खराब सड़कों में राहगीरों को चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर मंत्री ने कहा कि जो ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा था वे छोड़कर चले गए हैं। वहीं कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार के अधिकारियों से बात की जा रही है कि किसी दूसरे ठेकेदार को काम देकर फिर से काम को शुरू कराया जाए और आने वाले समय में जल्द ही सड़क का निर्माण पूर्ण हो सके। बेसिकली रोड्स का इंस्पेक्शन था और आप देख भी रहे होंगे पिछले 10 दिनों से मैं लगातार TL की बैठकों में, अलग से स्पेशल बैठकों में, इवन जो PWD डिपार्टमेंट के ऑफिस में भी जाके मैंने दबिश दी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश है कि जो रोड्स का काम है अगले 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके लिए पूरे अमले को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये पूरी कवायद है, तैयारी है और सारे डिपार्टमेंट्स एक्टिवेट भी हो चुके हैं और जो भारत सरकार पे जिस स्तर पे जो बात करनी चाहिए वो भी बात की जा रही है, वहाँ पे से भी लाइनअप हो रही हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल शुरू हो गई है और हम लोग इसको समय सीमा में पूर्ण कर लेंगे। वो पूरे बजट जो है ये कटनी गुमला मार्ग पत्थल गांव वाला जो है ये पूरे जो प्रोजेक्ट है करीब अपने ज़िले में करीब 43 किलोमीटर्स का पड़ता है, इसमें 90% काम हो चुका है, सिर्फ 10% काम बचा हुआ है और 10% काम भी वो आपको अंबिकापुर सीतापुर पत्थल गांव के बीच में ही मैक्सिमम काम पड़ रहा है। उसमें हुआ क्या कि कुछ तकनीकी कारणों से बीच में ठेकेदार को, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, वो ठेकेदार काम बिकॉज ऑफ उसका कॉस्ट एस्केलेशन हुआ क्या हुआ, तो अभी जो भारत सरकार स्तर पे भी हम लोग की बात चल रही है कि उसको कंटिन्यू करना है या किसी नए व्यक्ति को देना है, वो डिसीजन जल्दी आ जाए और इन द मीन टाइम जो साइड की रोड्स हैं
साइड का जो पुलिया है जो आवागमन के लिए लोगों के लिए वो कष्टकारी ना बने, क्योंकि उसमें दुर्घटना के संभावना रहती है, बारिश में ये मुश्किल और बढ़ जाती है। लेकिन अभी बारिश का टाइम भी ख़त्म हो गया है, धूप आ गई है, तो रोड के कंस्ट्रक्शन के काम में क्या होता है कि बारिश में और मुश्किल बढ़ जाती है।